राजस्थान के वारा झालावाड़ जिले की सौरती ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सरपंच के दलाल के द्वारा पात्र लोगों के पैसे लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें दलाल धनश्याम लोधा द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे 9,500 रुपये दिए थे, वो मैंने मुकेश कुमार सरपंच पति को दिए और मैंने रजिस्टर में भी नाम लिखा है। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद ग्राम पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बताते चलें कि ये वो ही ग्राम पंचायत है जिसमें सरपंच के दलाल छीदर मेघवाल द्वारा पहले भी एक बेड रेस्ट पर पड़े मरीज से घर पर जाकर नरेगा के नाम पर पैसे हड़प लिए थे। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सौरती ग्राम पंचायत में सरपंच के दलालों का बोलबाला है, इसीलिए सरपंच प्रतिनिधि आज भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, श्यामसान घाट भूमि का, जिसमें खूब जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की, परंतु मामला जस का तस नजर आया। ये ऑडियो मेरा है और पीएम आवास के बारे में ऑडियो वायरल हो रहा है और मुझसे पैसे छीन ले गए 9,500 रुपये धमकाने, डराते धमकाते थे। मैं इसके घर पे गया घनश्याम के और घनश्याम को पैसे दे के आया हूँ। अच्छा, तो किस वजह से ऑडियो वायरल हुआ है आपका? सर, ये मैं सरपंच के पास जाता था, जो सरपंच कहता था कि मेरे पास मत आया कर तू। फिर मैंने घनश्याम से कहा है कि सरपंच तो मुझे ललकारता है, घनश्याम तूने पैसा दिया है कि नहीं दिया है? तो घनश्याम ने कहा है कि मैंने पैसा तो दे दिया है यार मुकेशा को। तो उसने कहा है कि घनश्याम ने कहा है कि मैंने पैसे भी दे दिए और मैं रजिस्टर में भी लिख के आया हूँ, तेरा पैसा नहीं खाया मैंने। अच्छा जी, तो इस वजह से ऑडियो वायरल हुआ है? इसी वजह से ऑडियो वायरल हुआ है और मुझे धमकाते हैं। ये क्या है कि कौन धमकाता है? घनश्याम और मुकेश कहते हैं कि जुगलिया से कोई बात नहीं करनी है और कहीं भी मिल जाएगा तो इसको दबोचेंगे। अच्छा, तो अगर आपके साथ कुछ अगर हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन लोग? उसके साथ में घनश्याम और मुकेश दोनों ही होंगे, क्योंकि मुकेश ने ही घनश्याम को भेजा है और घनश्याम ने और भी आदमियों से कह रखा है कि ये कोई से बात नहीं कर सकते करे अपने इस बारे में। अच्छा अच्छा जी, तो डर तो बना हुआ होगा? डर तो मेरा बना हुआ है ना, मेरे घर पे खेत बाड़ी पे नुकसान भी हो रहा है। अच्छा, कोई डंडा उखाड़ रहे हैं, कोई बागर के कांटे फेंक रहे हैं। अच्छा, कोई किसी ने तार को गाड़ रखा था, मैंने जब तार का डंडा उखाड़ दिया। मतलब भय बना हुआ है? भय बना हुआ है और मेरे वोट पर ये वो भी कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ अगर ऐसी अनहोनी हो जाती है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके अनहोनी के जिम्मेदार तो मुकेश सरपंच होंगे और घनश्याम होंगे। मेरे पास चित रहा था मिस्टॉल चालू करवाने के लिए। क्या बोल रहा था? कहा कि 1,000 रुपये दो, आपके मिस्टॉल चालू कर देंगे। 1,000 रुपये काहे की रिश्वत के? अब ये तो वो मिस्टॉल चालू करवाने के मांग रहे थे। अच्छा, फिर आपने क्या बोला? भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं तो 5 साल से वैसे ही बेड रेस्ट पे हूँ। हाँ, फिर उसके बाद में नहीं आया आपका नाम मिस्टॉल में? उसके बाद में नाम वाम कुछ नहीं आया है ना, और वाइफ के नाम से मिस्टॉल आई होगी तो पता नहीं, लेकिन वही लोग कह रहे थे कि मिस्टॉल आई है, तो वो पैसे भी अकाउंट में से गायब थे हमारे। आप अकाउंट में भी पैसे नहीं आए? अकाउंट में भी पैसे नहीं आए। अच्छा अच्छा, और इस बात की कंप्लेंट भी हमने बैंक में करी है जी, वहाँ से हो सकता है कुछ रिफंड आए। अच्छा अच्छा, अभी उसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके ओके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।